दोस्तों एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भारतीय पीएम छा गए हैं। पूरी दुनिया में भारत की तारीफ की जा रही है। एक बार फिर से भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया है। दरअसल दोस्तों एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो यूक्रेन में पाकिस्तानी छात्र फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे और यूक्रेन में उनका बुरा हाल है। पाकिस्तानी छात्र अपनी एम्बेसी को कोस रहे थे, साथ ही भारत से मदद की गुहार लगा रहे थे। मैं अपनी उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियन है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। लेकिन इधर हम इतनी तकलीफ में, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। ये सारी लड़कियाँ उधर उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दी है, कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। इस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या भारत सरकार को ऑपरेशन गंगा के तहत इन पाकिस्तानी छात्रों की मदद करनी चाहिए या नहीं। तो 90% से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ हमें मदद करनी चाहिए, जो कि सही भी है। हमारा दुश्मन होते हुए भी हम इनकी मदद और इन छात्रों की सही सलामत वापसी चाह रहे थे। और दोस्तों आखिरकार अब यूक्रेन से जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत सरकार बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी छात्र और अन्य देशों को भी वहां से निकाल रहे हैं। इसी बीच एक पाकिस्तानी छात्र ने भारतीय एम्बेसी द्वारा उसको बचाए जाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। देखिए अब ये क्लिप। I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kiev for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations and also thanking the Prime Minister of India and thank you so much for supporting us and hope we get home safely because of the Indian embassy. पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और उनके मंत्रियों द्वारा सुबह शाम भारत को गाली दी जाती है, लेकिन भारत की इस उदारता और ऐसे कदम ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। इसके लिए भारत सरकार के लिए जय हिंद तो बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। जब से S-400 की डील हुई है तब से ही इसको लेकर विवाद चल रहा है। अभी तक अमेरिका ने इसमें भारत को छूट दी हुई थी और कोई एक्शन भारत के खिलाफ नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका द्वारा कई सैंक्शन रूस पर लगाए दिए गए हैं, इसलिए अब भारत भी इसके अंदर आ चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत अब दिए जा रहे हैं कि भारत पर भी सैंक्शन लग सकता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि S-400 की डील तो 2018 में ही साइन हो गई थी, तो अब इस पर प्रतिबंध का खतरा क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि अभी भी S-400 की पूरी पेमेंट भारत ने नहीं की है, साथ ही अभी बचे हुए S-400 भी आना बाकी है। यही वजह है कि अब इस पर अमेरिका द्वारा विचार किया जा रहा है, लेकिन आज इसको लेकर अमेरिकी सीनेटर द्वारा नाराजगी जताई गई है, जैसा कि आप दैनिक जागरण का आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता व प्रभावशाली सीनेटर टेड क्रूज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर काट्सा के तहत कोई भी प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी। दरअसल काट्सा एक अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को रूस से हथियारों की खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन धरती के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह फैसला असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण होगा। क्रूज ने कहा है कि भारत कई क्षेत्रों में अहम साझेदार है हमारा। हाल के कुछ वर्षों में भारत व अमेरिका का गठबंधन और गहरा तथा मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडेन प्रशासन में यह आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर की ये बातें सच भी है। यूक्रेन रशिया के युद्ध पर भारत की तटस्थता से अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन हताश हैं, इससे ज्यादा इसलिए कि उन्होंने क्वाड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसमें भी भारत ने एक शब्द रशिया के खिलाफ नहीं बोला था। जाहिर है इसीलिए सैंक्शन की बातें अमेरिका द्वारा अब की जा रही है और एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश भारत को की जा रही है। हालांकि इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि काट्सा प्रतिबंध लगने के बाद भारत अमेरिका से कोई भी हथियार नहीं खरीद पाएगा, लेकिन भारत के पास इजराइल, फ्रांस, रूस जैसे देशों का विकल्प मौजूद रहेगा। साथ ही रूस को पेमेंट डॉलर में देने में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन साफ है ये सैंक्शन लगाना इतना भी आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।